हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबसे पिछले लाइव सेशन में आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि एक कोचिंग है दृष्टि IAS, उसके नोट्स फेमस है। मैं आपको दिखा देता हूं मैं कौन से नोट्स, मैं ये वाले नोट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं वैल्यू एडिशन के तौर पर, आप सिर्फ ना इन वीडियोज को सुन सकते हो, अगर नोट्स बनाना चाहो तो अपने नोट्स को साथ में रख लेना और उनमें ऐड कर सकते हो जो कुछ ऐड करना है, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आती है। तो आज हम शुरू करते हैं आपका टाइम खराब किए बगैर, कि हिंदी साहित्य में हम शुरू करेंगे आज उपन्यास से। तो उपन्यास की बात करते हैं, आज उपन्यास के तत्वों से हम बात करते हैं। तो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। तो पहला होता है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा हो जाता है यहाँ पर उद्देश्य क्या है, या और तीसरा हो जाएगा पात्र या चरित्र कैसा है, और चौथा हो जाएगा देश काल वातावरण, और पांचवा भाषा शैली, और छठा हो जाएगा आपका कथोपकथन या संवाद। हम सबसे पहले बात करते हैं कथानक की। तो कथानक क्या है? प्लॉट। अब ये शब्द प्लॉट से बना हुआ है। तो कथानक इसको समझाने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा, जब कभी भी आप कोई रचना पढ़ते हो या कोई मूवी अगर आप देख रहे हैं, तो वहां आपका फ्लो टूट जाता है, आपको लगता है बोरिंग हो रहा है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष है किसी भी रचना के लिए, ठीक है? तो क्या है कि इसका एक सीधा सा शब्द है, संबंध निर्वाह अच्छा होना चाहिए, यानी कि फ्लो आपका बना रहना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपको ऐसे नहीं लगे कि यार पढ़ लिया ठीक है समझ में नहीं आ रहा है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरा एक शब्द होता है साथी में जो मैंने लिया, कथा वस्तु। थीम क्या है? एक्चुअल थीम है क्या? थीम ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो इसको कहेंगे हम विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। तो थीम भी ना कई तरह से बनती है। तो कथा वस्तु को एक होता है प्रख्यात, एक उत्पाद्य होता है, एक मिश्र होता है। तो हम पहले लेंगे उत्पाद्य को। तो उत्पाद्य है क्या? यानी कि आप अगर कोई भी चीज मन में इमेजिन करके या सोच के, आप अपने उपज, दिमाग की उपज बोल देंगे, दिमाग की उपज से आप अगर कोई रचना लिखते हैं तो वहां कहा जाता है उत्पाद्य। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप जब स्कूल नहीं जाते थे बचपन में, तो उस समय आप बहाना बनाते थे पेट दर्द का, जबकि पेट दर्द का एक आपने कथा अच्छे से बुनी कि मम्मा पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मुझे दिक्कत है। ये क्या है? आपने कथा अपने दिमाग से बना ली। तो इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम सोच सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, आप अपने एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स मत लिख के आना। तो ये हो गया उत्पाद्य। दूसरा होता है प्रख्यात। तो हम प्रख्यात की बात करते हैं। प्रख्यात क्या है? यानी कि जो शुद्ध परंपरा से बनी हो, यानी कि खुद शुद्ध पीछे जो कोई परंपरा चली है उससे आपने बनाई हो। तीसरा होता है मिश्र। मिश्र में क्या होगा? उत्पाद्य और जो प्रख्यात है दोनों मिश्रित हो जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है स्कंदगुप्त। जैसे स्कंदगुप्त में क्या है कि ऐतिहासिक परिवेश, शब्द वही, थोड़े से भारी भरकम शब्द जो समझ में ना आए, जो या पहले टाइम पे जो बोले जाते थे वैसे शब्द भाषा का, थोड़ा कठिन भाषा का इस्तेमाल। ये क्या है? ये क्या है? प्रख्यात है, ये पीछे की परंपरा है। और उत्पाद मिश्र क्या है कि उसमें लेखक ने अपनी तरफ से कुछ मिश्रण दे दिया है, ठीक है, अपना योगदान दिया है। तो ये क्या है? मिश्र है, मिश्र का अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा पात्र या चरित्र होता है। और पात्र या चरित्र कैसा है? आपने मूवीज में देखा होगा, एक इधर खलनायक होता है, दूसरा नायक होता है। तो देख लीजिए पात्र या चरित्र कैसा है, एक नायक या खलनायक होता है। दूसरा इसका एक और सोचने के लिए है कि ये स्वतंत्र है या परतंत्र है। अच्छा नायक वो माना जाता है या चरित्र वो माना जाता है जो स्वतंत्र होता है, ना कि परतंत्र। ऐसा ना हो कि लेखक जो लिख रहा है उसी के हिसाब से वो तोड़ मरोड़ के उसे पेश कर दे रहा हो, ठीक है? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है? और देश काल वातावरण की बात करते हैं। तो देश काल वातावरण आपके आसपास का परिवेश, सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश जो आपके चारों तरफ, जैसे आप कोई रचना पढ़ते हैं, आपने कोई पढ़ा होगा जो भी, उसमें आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक ये परिवेश आपको नजर आने लगते हैं। और प्राकृतिक, जैसे मेला आंचल है तो उसमें कहता है रोहतक स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, तो वहां एक परिवेश बन रहा है कि यार एक स्टेशन है, गांव है, वहां जाना है। जैसे मेरीगंज शायद गांव था उसमें, ठीक है? दूसरा भाषा शैली कैसी है, आप इसको समझेंगे कि यार लेखक ने किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है। क्या ऐतिहासिक परिवेश को बनाने के लिए उन्होंने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है? जैसे दिव्या उपन्यास में बहुत सारे करेक्टर लिए गए हैं ऐतिहासिक, और कुछ भारी भरकम शब्द लिए गए हैं, ठीक है? जैसे कठोर धीर, रुद्र धीर, कोमल पृथुसेन, ऐसे करके कुछ शब्द हैं, और छोटे छोटे संवाद दिए गए हैं।
ये क्या है कि भाषा शैली डिपेंड करता है। अच्छी भाषा शैली वो है जो आराम से अच्छे से सबको समझ में आ जाए, ठीक है। और लास्ट में बनता है कथोपकथन या संवाद। दो लोग जब आपस में बात कर रहे हो तो वो संवाद कहा जाता है। तो रचना में जहाँ पे संवाद आते हैं, कथोपकथन आते हैं, वहां पे वो जो एक वाक्य दिए होंगे, एक लिखा होगा कि प्रसूसेन ने ये कहा, दिव्या ने ये कहा, ऐसे करके, तो इसे कहते हैं संवाद योजना। तो कैसी संवाद योजना है? संवाद कैसे होते हैं? छोटे होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए और गतिशील होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ज्यादा लंबी बात नहीं हो और बात को आगे बढ़ाने वाली बात हो, ठीक है। छोटे चुस्त भी हो गए और गतिशील यानी कि बात आगे बढ़ाने वाले हो, तो इस तरह के संवाद होने चाहिए। ये अच्छा एक अच्छी एक रचना के गुण माने जाते हैं। इन्हीं के आधार पर आप देख सकते हो कि रचना कैसी है। इन्हीं के आधार पर आप मूल्यांकन करोगे। और आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना ही था। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, तो मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तो मैं आपको उसमें शुरू करूंगा उपन्यास के इतिहास से, ठीक है। ऐसे ही मैं 5-6 मिनट में आपका एक एक पोर्शन क्लियर करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम लोग अभी थर्सडे को भी लाइव सेशन चलाएंगे। मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा कि कब लाइव सेशन होगा। और संडे को रात को 10 बजे हम लोग हर संडे को लाइव सेशन चलाते हैं। उसमें आपके जो कोई क्वेश्चन हो वो दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।